बताओ सारी बात, कौन हो तुम और अगर तुम हो तो किसी और को नजर क्यों नहीं आती? हाय साहब, आते ही इतना मुश्किल सवाल। पहले थोड़ा खुद को देख तो लेने देते, जी भर के बातें कर लेने देते। दिलनवाज, फजूल बातों में वक्त जाया मत करो, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए और मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा। काश साहब, काश आप ये कहते कि आपको कितनी बेचैनी से मुझसे मिलने का इंतजार था। मेरी बातों को मत डालो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा वजूद किसी और को नजर क्यों नहीं आता? वजूद? वजूद ही तो नहीं मेरे पास, अगर मैं सच बताऊंगी तो मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे ना साहब? दिलनवाज, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, सिर्फ सच जानना चाहता हूं, कौन हो तुम? मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जनजाति हूं। और आपके पड़ोस में जो दो बहनें रहती हैं, मैं उनकी गुलाम जिन हूं। सच्चा साहब, हम उजाड़ घरों और वीराने में बसेरा करते हैं, खामखा आपसे कोई वास्ता भी नहीं रखते। हमारी आबादी आपसे कहीं ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था ये आने के बाद? हाँ, वो मैं थी। शुरू में आपको बहुत तंग किया मैंने, फिर आप मुझे अच्छे लगने लगे साहब। आपने अपनी बहादुरी से दिलनवाज का दिल जीत लिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था साहिब, डर था कि कहीं आप मुझसे नफरत ना करने लगे और मेरी शिकायत हजरत बीबी से ना कर दे। करता हूं तुमसे, कैसे दूर जा सकता हूं तुमसे? मुझे सिर्फ ना चाहता हूं दिलनवाज के एक दफा मां बाप से मिल लो, एटलीस्ट वो तो मुझे पागल ना समझे। साहिब, यही तो मुश्किल है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। मैं हजरत बीबी की गुलाम हूं, मैं तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। सांस भी नहीं ले सकती, शादी कर सकती अपनी मर्जी से? यही ना साहिब, शादी मेरी मर्जी से नहीं, हसन बीबी के कहने पे हुई थी। क्या हजरत बीबी की मर्जी से? जितना सब कुछ तुम बता चुकी हो मुझे पागल करने के लिए काफी है, भरोसा किया था तुम पे, मुझे तो बताना चाहिए था ना। आपकी दिलनवाज की जबान पर गुलामी का ताला लगा हुआ था साहिब, मैं आपको मजीद धोखा नहीं देना चाहती। आपको धोखे में रखकर मुझे अपनी मोहब्बत से शर्मिंदगी हो रही है साहिब। मैंने आपको सच बता दिया, अब अंजाम चाहे जो भी हो मैं आपको इससे ज्यादा बेखबर नहीं रख सकती। दिलनवाज, तुम्हारे सच बताने से उलझने और हो गई है। क्या बताऊंगा मैं अम्मा अब्बा को कि उनकी बहू एक इंसान नहीं एक जिन है, अब वो खुशी खुशी मान जाएंगे, ऐसा लगता है तुम्हें? साहिब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी,
उनकी खिदमत करूंगी, उनके दिल में अपनी जगह बना लूंगी। इतना आसान नहीं है दिलनवाजी, इतना आसान नहीं है। कुछ और सोचना होगा, एक रास्ता है। दिलनवाज के ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हम अब्बा से मिलो और हम ना बताएं कि तुम आसान नहीं हो। चिन्ह प्लीज। नहीं सर, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मेरे वजूद की ताब नहीं ला सकेंगे। साहिब, आप में वो ताकत है, आप किसी भी जिन का सामना करने की साथ रखते हैं, लेकिन आपकी अम्मा बीमार हो जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी वो। और यही होता है जब कोई इंसान हमारा सामना करता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा, कैसे हम साथ रहेंगे। थोड़ा सब्र कर लो ना साहेब, हमें सब कुछ सही करने का मौका जरूर मिलेगा। मैं जानती हूँ फिर हम उन्हें सब बता देंगे साहेब, लेकिन फिलहाल हमें अपने रिश्ते को छुपाना होगा। तुम उनकी गुलामी छोड़ क्यों नहीं देती? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, तुम रह सकती हो छुपके, तुम जिनो कुछ भी कर सकती हो। इतना आसान नहीं है ये। काश उनके आगे मेरा बस चलता तो मैं कब की अपने आप आपको सुपुर्द कर देती, बगैर किसी चिल्ले और अमल के आपके गुलाम बन जाती। फवाद, फवाद, बेटा तुम किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहा था, सोया हुआ था मैं तो। लेकिन बेटा मैंने तो खुद सुना है तुम किसी से बात कर रहे थे। कान बज रहे हैं आपके, आपने दरवाजा बजाया तो मेरी आंख खुली है, सोया हुआ था। अच्छा हो सकता है तुम नींद में बुड़बुड़ा रहे हो। के कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं ले लूंगा। अम्मा आप जाएं सो जाएं प्लीज, ठीक है? साहिब अब मुझे जाना होगा। आज रात रुक जाओ प्लीज मेरे लिए। नहीं साहिब मैं नहीं रुक सकती, मैं मजबूर हूँ, ये सब मेरे बस में नहीं है, मुझे जाना होगा। कब जान छूटेगी तुम्हारी उन औरतों से? अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये दीवारें भी गिर जाएंगी साहिब। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है, ऐसा जरूर होगा साहिब। चूंकि अब मैंने आपके लिए, हमारे लिए सोचना शुरू कर दिया साहिब। मुझे जाना होगा, मुझे बुलावा है साहिब, मैं जा रही हूं। कहाँ जा रहे हो बेटा? हॉस्पिटल। लेकिन तुमने तो कहा था आज मैंने छुट्टी ली हुई है। जी सेमिनार है एक इम्पोर्टेंट, सीनियर डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कब खत्म होगा तुम्हारा सेमिनार? हो जाएगा 2-3 घंटे में। अच्छा बेटा जल्दी आ जाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज अगर बता दिया तो वो सरप्राइज थोड़ी रहेगा।
नाश्ता कर लो ना तुम, बना दूं? नहीं, नहीं करना। अच्छा चाय बनी हुई, चाय पी लो। अब्बा चले गए। वो तो मुंह अंधेरे ही चले गए आज सुबह। ठीक चले। कुछ चाहिए बाहर से? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ आज तुम्हारे लिए कोरमा बना रही हूँ मैं, जल्दी आना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।